फ्रेंड्स, मेरे को एक काफ़ी सवाल आ रहा है मेरे पास में कि जो येड़ा के RPS 05 2021 की जो स्कीम है उसके लिए फाइनेंस कहाँ से करें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो ब्रोशर है उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है ICICI बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन की अमाउंट फाइनेंस करा सकते हैं। लेकिन आप मुझे को एक बात बताइए कि बैंक आपको फाइनेंस क्यों करेगा? पहला सवाल तो यही उठता है। बैंक को मालूम है कि 10 साल तक येड़ा में कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। सपोज़ कीजिए उन्होंने आपको फाइनेंस भी कर दिया और आपका प्लॉट निकल भी जाता है, तो उनकी जो अमाउंट है, जो कि बेसिकली 120 स्क्वायर मीटर के लिए अगर मैं बोलूँ तो 2 लाख प्लस जो है वो उनकी अमाउंट फंस जाएगी, ठीक है? और वो जो लेटर आएगा वो बैंक के नाम आएगा, वो आपके नाम तो आएगा नहीं, आप एक खाली जरिया हो। तो बैंक अपना पैसा क्यों फंसाएगा? यहाँ से सिंपल सा पता लगता है कि यहाँ पर जो है मनी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा सवाल आता है कि कितने टाइम के लिए होगी? तो देखिए, 5 से 6 साल, 7 साल मैं इसको बोलता हूँ बेसिकली, कि आपका पैसा जो है ब्लॉक होने वाला है। उसके बाद में जो अमाउंट लगेगी वो भी आपकी जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप जो है अपने किसी रिलेटिव से पैसा लें या आपके पास में जो जमा पूंजी है वो करें। बैंक, कोई भी बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए।